गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोथ्रू फाइन आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गोथ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिलती रहे। ये है हमारे चैनल का नाम गोथ्रू फाइन आर्ट। और आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि विवान सुद्रम, गीता कपूर, नीलिमा शेख, गुलाब मोहम्मद शेख, जितीश कल्लर, रीना सैली कल्लर के ऊपर बनाई हूँ और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट और भी इंक्लूडेड हैं। ये मॉडल सेट है जिसमें हम शंखु चौधरी के बारे में बात किए हैं, शंखु चौधरी के इमेजेस को लेकर इसमें बात किए हैं। ये वीडियो मैं कल अपलोड की थी इरा चौधरी के बारे में, जो कि एक पॉटर है, सेरामिक आर्टिस्ट है और बहुत ही अच्छा इनका काम है। आशा करती हूँ आप लोग देखे होंगे, और देखे तो हैं बहुत लोग, बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखे हैं। 30 मिनट का वीडियो मैं बनाई थी, कुछ लोग उसे 5 या 6 मिनट देख के ही स्किप कर दिए हैं। खैर, वो आपकी रुचि है कि आप उस वीडियो में कितना इंटरेस्टेड थे, कितना नहीं थे, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बट हाँ, अगर मैं 30 मिनट दे रही हूँ, अगर आप उसे वॉच नहीं कर रहे तो दैट मीन्स कि मैं जो आप लोग को प्रोवाइड की वो वीडियो हो सकता है कि आप लोग को अच्छा नहीं लगा होगा। खैर, जो भी हो, जिन्हें अच्छा लगा है वो तो पूरा देखे हैं, तो उनके लिए धन्यवाद। जो नहीं देखे उनके लिए भी धन्यवाद। आइए, आज हम बात करेंगे गुरचरण सिंह के बारे में। वो भी एक सेरामिक आर्टिस्ट है, पॉटर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये गुरचरण सिंह हैं और इनका एक कोटेशन है जो मैं आप लोग के सामने रीड आउट कर रही हूँ। गुरचरण नाम है, नॉट गुरुचरण, गुरचरण। एवरी वंस इन ए व्हाइल आई एम इन ट्यून विथ क्ले एंड आई हियर म्यूजिक। मतलब जब भी वो क्ले के साथ काम करते हैं तो उसे एक ट्यूनिंग मिलती है और वो उसमें से म्यूजिक सुन पाते हैं। इट्स लाइक पोएट्री, जैसे कि पोएट्री में भी आपको उस तरह की म्यूजिक सुनाई देती है। दोज आर द मोमेंट्स दैट पोएट्री इज ट्रू ब्यूटिफुल फॉर मी। तो वो जो मोमेंट्स उनके साथ होती हैं उनसे उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ही आनंदित होते हैं। तो आइए, अब हम इनके कुछ इम्पॉर्टेंट काम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये पद्मश्री, इनको अवार्ड मिला है, इन्होंने ब्लू पॉटरी का निर्माण किया है और ऐसे बहुत सारी चीज़ों की बात किए हैं। तो कल जैसे मैं वीडियो बनाई थी आप लोग, तो कल जैसे मैं इरा चौधरी के बारे में बात की थी आप लोग से, वैसे ही आज वीडियो बन रहा है। MCQs में नहीं है, बट हाँ, जो भी मैं आप लोग को रीड करवाऊँगी, स्टडी करवाऊँगी, उसमें से मैं MCQs आप लोग को छांट छांट के बता दूँगी थ्रू दी पैसेज। तो ये देखिए, ये जो ब्लू टाइल्स है ये लोडी टॉम्ब में है। लोडी टॉम्ब आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, जैसे कि ताजमहल है, उसी तरह से लोडी टॉम्ब भी है और उसमें ब्लू टाइल्स ऑन लोडी टॉम्ब, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए लोडी टॉम्ब में ये ब्लू टाइल्स है और ये गुरुचरण सिंह के द्वारा ही किया गया है। उसके बाद ये देखिए, गुरुचरण सिंह जब स्कूल में थे कैसे दिखते थे, ये आप लोग को यहाँ पर दिखाया गया है। ये स्कूल की फोटोग्राफ्स है। और अभी मैं हम आप लोग से बात किए थे इनके बारे में। एवरी वंस इन ए व्हाइल आई एम ट्यून विथ क्ले एंड आई हियर म्यूजिक, इट्स लाइक पोएट्री। दोज आर द मोमेंट्स दैट पॉटरी इज ट्रूली ब्यूटिफुल फॉर मी। ये जो कहा गया है कोटेशन, ये गुरचरण सिंह के द्वारा कहा गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इनके लाइफ के बारे में, इनके बायोग्राफी के बारे में। गुरचरण सिंह वॉज बॉर्न इन 1860 इन श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर में उनका जन्म हुआ। कब? 1816 में। एट 7 ही वॉज सेंट टू स्कूल इन गुजरनवाला, ठीक है। तो इस वो उनकी स्कूलिंग जो है गुजरनवाला हुआ और वहाँ पे उनके फादर रहते थे। कहाँ रहते थे? गुजरनवाला में। आफ्टर हिज स्कूलिंग वॉज कम्प्लीट ही वेंट टू द प्रिंस ऑफ वॉल्स कॉलेज इन कश्मीर टू स्टडी केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। यानी कि वो केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी से अपने बैचलर कंप्लीट किए, यानी कि नॉट हाँ बैचलर, जो कि BSc में इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे हम केमिस्ट्री और जियोलॉजी की बात कर रहे हैं। हैविंग अंडरटेकन स्टडीज विथ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्स एंड मिनरल्स, ही डिड ए क्रेडिटेबल अमाउंट ऑफ लेबोरेटरी एंड फील्ड वर्क एंड इन 1918 गॉट ए BSc डिग्री विथ ऑनर्स इन जियोलॉजी। तो उन्होंने केमिस्ट्री और जियोलॉजी में तो पढ़े, बट उन्होंने जो डिग्री लिए हैं वो 1918 में BSc डिग्री की वो जियोलॉजी में लिए, और जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने फील्ड का काम और लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। गुरुचरण सिंह प्रोबेबली नेवर रियलाइज्ड हाउ वेल दिस नॉलेज वुड सर्व हिम इन लेटर ईयर्स व्हेन ही चेंज्ड फ्रॉम कंसिडरिंग ए करियर इन जियोलॉजी टू दिस लाइफ लॉन्ग पैसन फॉर सेरामिक्स। यानी कि BSc करने के बाद उन्होंने अपने आप को एक अपने स्ट्रीम को चेंज करके वो सेरामिक के लिए पैसनेट हो गए,
कब? इन द समर ऑफ 1918, सून आफ्टर हिज बीएससी एग्जामिनेशन, हिज फादर रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम एन ऑल्ड एंड डियर फ्रेंड इन दिल्ली, सरदार राम सिंह कामली. इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये भी एक पॉटर है और बहुत नाम है इनका राम सिंह कामली का. तो राम सिंह कामली जो थे इनके फ्रेंड्स थे, गुरचरण के फादर के फ्रेंड्स थे, और उन्होंने ये, ठीक है, सरदार राम सिंह कामली जो है एक लेटर भेजे उनके उन्हें, और उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को भेज सकते हैं किसके लिए, दिल्ली पॉटरी वर्क्स के लिए. सो हु ओन्ड ए पॉटरी कॉल्ड दिल्ली पॉटरी वर्क्स वेयर ब्रिक्स एंड टाइल्स वर मेड. तो सरदार राम सिंह कामली जो है, जो लेटर भेजे उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके बेटे जो है दिल्ली पॉटरी के लिए काम करना चाहते हैं तो वो आ सकता है और वो वहाँ पर ब्रिक्स एंड टाइल बना सकते हैं. तो सरदार राम सिंह कामली हु वॉज टू बिकम ए प्रोमिनेंट फिगर इन गुरचरण्स लाइफ. तो फिर गुरचरण्स लाइफ, गुरचरण्स के जो जीवन के जो आप गुरु कह सकते हैं या फिर उनके टीचर कह सकते हैं, वो आप राम सिंह कामली को ही मान सकते हैं. लाइफ वॉन्टेड टू एक्सपेंड हिज स्मॉल कंसर्न एंड आस्क हिज ऑल फ्रेंड्स इफ ही वॉज इंटरेस्टेड इन हिज सन असिस्टिंग इन हिज वर्क. तो जो काम सरदार सिंह राम सिंह कामली कर रहे थे, उन्होंने जो लेटर भेजा, तो वो चाहते थे कि उनके फ्रेंड जो हैं इसे एक्सेप्ट करें अगर वो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में. तो दो गुरुचरण सिंह वॉज नॉट टू कीन ऑन द आइडिया, ही केम टू दिल्ली एनीवे. सॉरी दोस्तों, अगर कभी कभी साउंड आ जाए तो एज आई मेंशन कि मैं भी बाहर हूँ तो इसलिए आवाज़ आ जाती है. तो हाँ, हम यहाँ पे थे कि दो गुरुचरण सिंह वॉज नॉट टू कीन, यानी कि उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो दिल्ली गए. Brought into being by declaration of George V. Imperator of India at Delhi Darbar in December 1911. ये इतना important नहीं है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम आगे बात करेंगे जो important है आप लोग के लिए. At the pottery works, Gurcharan Singh worked for a year in every branch of pottery like throwing, molding, casting and firing. तो पूरे एक साल तक उन्होंने काम किया, लाइक जैसे कि कल हम बात कर रहे थे ना स्टोनवेयर का, अर्थनवेयर का, बिस्किटिंग का, तो उसी तरह से पॉटरी का जो प्रोसेस है उसको हम पॉटरी का जो प्रोसेस है उसे हम लोग थ्रोइंग हो गया, मोल्डिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, फायरिंग हो गया, ये सब उनकी ही टर्म्स है. राम सिंह देन डिसाइडेड टू सेंड हिज यंग प्रोटीज टू जापान टू लर्न मोर अबाउट कमर्शियल सेरामिक्स एट दी हायर टेक्नोलॉजी स्कूल इन टोक्यो. राम सिंह कामली फिर गुरचरण सिंह को जापान यानी कि टोक्यो भेज दिए ताकि वो और भी कमर्शियल सेरामिक जापान से सीख के आए. जैसे कि आप लोग जापान में जानते हैं कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब पॉटरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे कमर्शियल पॉटरी बनाई जाती है. जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर किसी चीज़ का पूरा डिश सेट चाहिए तो उसमें कैसा डिजाइन होगा, कैसे उसे उसमें कैसे बारीकी से जो ग्लेज किया जाता है, वो सब सीखने के लिए. ओके, फॉर स्टूडियो पॉटरी इन इंडिया इट वॉज ए प्रोपिटियस मोमेंट. इन जापान बर्नांद लेज, सोजी हमादा, केनकिची टोमिमोटो, कांजी रो कावाई एंड सो स्वेत्सु यानागाई पार्ट ऑफ ए सेमिनल ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, पॉटर्स, पोइट्स एंड थिंकर्स वर बिगिनिंग टू एक्सप्रेस वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट करेंट्स दैट हैज सेव देयर स्टूडियो पॉटर ऑफ टूडे. तो ये जो मैं अभी बताई ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें सब इम्पॉर्टेंट ये है कि जापान के कौन कौन से आर्टिस्ट गुरचरण सिंह को हेल्प किया या फिर उन्हें बुलाएं, ये देख लीजिए. ये नाम बस एक बार आप याद रख सकते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार रीड कर लेंगे तो कभी ऑप्शंस में रहेगा तो आप लोग को रिकॉल हो जाएगा. तो आगे बढ़ेंगे हम. गुरचरण सिंह हैड गोन टू जापान टू स्टडी इंडस्ट्रियल सेरामिक्स. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कमर्शियल हो गया, तो कमर्शियल तो इंडस्ट्री में ही आएगा, तो उन्हें जापान इसलिए भेजा गया ताकि वो इंडस्ट्रियल सेरामिक और कमर्शियल सेरामिक सीख के वहाँ से आ सके. ही रिटर्न विद द नेसेंट इंडियन स्टूडियो पॉटरी मूवमेंट सेक्युलरली लॉस्ड इन हिज हर्ट. जब वो लौट रहे थे तो उनके ये माइंड में था कि वो जब जाएंगे तो एक पॉटरी मूवमेंट वहाँ इंडिया में भी स्टार्ट करेंगे. ही एस्पायर टू पॉपुलराइज आर्ट पॉटरी इन इंडिया. Although he knew this involved considerable self-sacrifice, he was determined to go ahead. उनको ये चीज़ मालूम था कि अगर हम ये मूवमेंट, पॉटर मूवमेंट इंडिया में चलाएंगे तो इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा अपने तरफ से सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, वो ये सेक्रीफाइस करने के लिए राजी थे, सहमत थे, डिटरमाइंड थे और वो आगे बढ़ना चाहते थे.
ऑन द एडवाइस ऑफ यामागी गुरुचरण सी ट्रैवल टू कोरिया एंड सम पार्ट्स ऑफ चाइना। देखिए मैं पहले ही ये चीज़ मेंशन कर दी थी साउथ कोरिया और चाइना का नाम, और यहाँ पे देखिए आ ही गया है। तो यानागी जो जापान की आर्टिस्ट थी, उन्होंने इन्हें सजेस्ट किया कि आप एक बार कोरिया और चाइना भी विजिट कर सकते हैं। ही फाउंड कोरियन पॉटर्स मेकिंग ह्यूज ब्यूटीफुल शेप्स सुपरबली प्रोपोर्शन थिक हेवी एंड सॉलिड समटाइम्स विथ इंट्रिकेट ड्रैगन्स पेंटेड ऑन दे। जब उन्होंने कोरिये के पॉटर्स को देखे, उन्हें परखे, उनकी समझ बूझ की, तो उन्हें देखा गया कि उनके शेप कितने ब्यूटीफुल हैं, थिक हैवी एंड सॉलिड। जो एक प्रोपोर्शन चीज़ों का होता है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोपोर्शन है, थिक है, हैवी एंड सॉलिड है, और साथ ही साथ उस पर जो है ड्रैगन को भी पेंट किया गया है। इंट्रिकेट ड्रैगन दैट मीन्स कि बहुत ही बारीकी के साथ ड्रैगन को पेंट किया गया है। इंट्रिकेट का मतलब ही होता है बारीक, जाली जाली टाइप का। द पोर्ट्स वर फायर्ड इन ह्यूज फर्नेसेस ऑफन विथ टू रूम इच। समझ ही गए होंगे, बहुत ही ईजी है, मतलब कि जो फर्नेसेस थे वो बहुत ही बड़ा था, और इसीलिए दो रूम को मिला के एक रूम को बनाया गया था। विथ टू रूम इच दिज कुड टेक अप टू 15 डेज टू फायर एंड 1000 पीस कुड कम आउट ऑन ए फर्नेस। एक 15 दिन में जब एक बार फायरिंग किया जाता था तो उसके फर्नेस के अंदर कम से कम 1000 पीस जो है आप निकाल सकते हैं। जब आप फायरिंग कर रहे हैं तो उसमें आप जितने भी पॉटरी डाल रहे हैं उसमें से 1000 पीस पॉटरी आप डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, इसका मतलब यही है। एकीन एप्रिसिएशन ऑफ कोरियन पॉटरी रिमेंड विथ हिम ऑल हिज लाइफ। उन्हें ये कोरियन पॉटरी जो था बहुत पसंद आया और पूरे लाइफ तक ये इनके साथ रहे। इन 1922 व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम जापान गुरचरण मैरिड छत्तरकौर। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा, बस ये बता दे रही हूँ कि 92 में इनकी मैरिज हुई और किन के साथ, छत्तरकौर के साथ, और वो कौन थे, राम सिंह कामली की ही बेटी थी, यानी कि जिन जो उनके पापा को लेटर भेजे थे उन्हीं की बेटी से इनकी शादी हुई। और फिर वो जो है दिल्ली चले गए दिल्ली पॉटरीज के लिए। ही स्टार्टेड टू प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ आर्ट पीसेस अलॉन्ग विथ टेबलवेयर। जब वो दिल्ली मूव किए तो वो वहाँ पे जो है कुछ टेबलवेयर काम करने लगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट वॉज एट दिस टाइम ही मेट अब्दुल्ला मुसलमान हु वॉज वर्किंग एट द ब्रिक क्लीन। तो उन्होंने जो अब्दुल मुसलमान से मिले, वो ब्रिक पे काम कर रहे थे, एंड ए डिसिडेंट ऑफ पठान्स पॉटर्स हु हैड केम टू इंडिया इन द 13th सेंचुरी। अब्दुल्ला टॉट गुरचरण सिंह द सीक्रेट ऑफ द ब्लू गेज। तो गुरचरण सिंह जो ब्लू गेज सीखे हैं, वो ब्लू गेज इन्होंने अब्दुल्ला जो मुसलमान थे उन्हीं से गुरचरण सिंह सीखे हैं, और वो 13th सेंचुरी में जो है इंडिया आए थे। ही सेट अप ए स्मॉल स्टूडियो एंड स्टार्टेड टर्निंग आउट अमेजिंगली ब्यूटीफुल पॉट्स। फिर उन्होंने धीरे 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 स्टूडियो का सेटअप किया एंड वहाँ पे उन्होंने पॉट्स का निर्माण करने लगे। इन द लेट 1920s and 1930s न्यू दिल्ली वॉज नियरली कम्प्लीशन द ब्रिक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ यही बात किया गया है कि कैसे उनके लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो आती हैं उनसे रिलेटेड बातें हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट बिकेम इंटरेस्टेड इन हिज वर्क एंड आस्क्ड हिम टू सेट अप ए पॉटरी रिसर्च लेबोरेटरी। तो जब गुरचरण सिंह काम कर रहे थे तो उनके काम से गवर्नमेंट बहुत उनको अच्छा लगा गवर्नमेंट को, और वो चाहते थे कि वो एक रिसर्च लेबोरेटरी पॉटरी को लेके करें। सून आफ्टर केम अनदर ऑफर दिस टाइम फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट। जैसे ही उनको वो ऑफर मिला तो दूसरा भी एक ऑफर मिला पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। गुरुचरण सिंह वॉज अपॉइंटेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट पॉटरी इंस्टीट्यूट एंड टीचिंग स्कूल एट लाहौर एंड आस्क्ड टू बिल्ड ए पॉटरी एट सदराहा वेयर ही वुड ट्रेन पॉटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात करी है कि उन्हें फिर कश्मीर से भी ऑफर आया, ही रिटर्न टू हिज हाउस बला बला बला। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि पहले उनको स्टेट गवर्नमेंट से ऑफ़र आई और फिर उन्हें पंजाब गवर्नमेंट से ऑफ़र आई, एंड उसके बाद उन्हें एक पॉटरी के इंस्टीट्यूट थे जिनका नाम था गवर्नमेंट पॉटरी इंस्टीट्यूट एंड टीचिंग स्कूल एट लाहौर,
वहाँ से भी हेड ऑफ़ गवर्नमेंट पॉटरी इंस्टीट्यूशन टीचिंग स्कूल से उनके लिए ऑफ़र आया कि वो वहाँ पे जाके पॉटर्स को ट्रेन करें। गुरचरण सिंह फोर्थ चाइल्ड मानसी राम वाज बॉर्न इन लाहौर 1939। इससे क्लियर हो गया कि इनके आई थिंक चार बच्चे थे और जो चौथा बच्चा था वो लाहौर में 1939 में बॉर्न हुआ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम चलते हैं। यहाँ बात करते हैं, टुगेदर द सिख पावर हु हैड रिफाइंड हिज आर्ट इन जापान एंड कोरिया एंड द ओल्ड पठान क्राफ्ट्समैन इवॉल्व्ड ए न्यू इडियम ऑफ एस्थेटिक दैट बिकेम द सिग्नेचर ऑफ वाट गुरचरण सिंह नेम्ड दिल्ली ब्लू आर्ट पॉटरी आफ्टर द फेमस दिल्ली ब्लू गेज ही सो एडमायर्ड। यानी कि देखिए, गुरचरण सिंह का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है दिल्ली ब्लू आर्ट पॉटरी में, और दिल्ली ब्लू आर्ट पॉटरी जो है गुरचरण सिंह के नाम से, उनके सिग्नेचर से ही जाना जाता है। ऑल दो गुरचरण सिंह कंटिन्यूड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय जापानीज एंड कोरियन फॉर्म्स, ही ऑल्सो मेड ट्रेडिशनल इंडियन शेप्ड पॉट्स। वो जापानीज से तो इन्फ्लुएंस थे और कोरियन के फॉर्म से भी इन्फ्लुएंस्ड थे, बट वो चाहते थे कि ट्रेडिशनल पॉट इंडियन पॉट्स का भी एक शेप हो। तो देखिए उसके बारे में वो क्या कहते हैं, तो उन्होंने जो है ट्रेडिशनल इंडियन शेप्ड पॉट्स भी बनाए। किसके बाद? जापानीज और कोरियन से इन्फ्लुएंस थे बट उन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल शेप्ड पॉट्स भी बनाए। ही यूज्ड ए मिक्सचर ऑफ क्लेज फ्रॉम दिल्ली एंड अहमदाबाद। वो जो क्ले खरीद के लाते थे, बॉट करते थे, उसमें कहाँ कहाँ का कौन से क्ले का मिक्सर होता था? दिल्ली और अहमदाबाद के क्ले का मिक्सर होता था। दिस स्टोन वेयर क्ले वॉज फायर टू हाई टेम्परेचर इन कोल फर्नासिस। तो जो वो क्ले था उसे वो हाई टेम्परेचर कोल फर्निस में स्टोन वेयर के लिए यूज करते थे। तो ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पूरा ही ठीक है। विथ हिज नॉलेज ऑफ जियोलॉजी ही बिकेम ए विजार्डेड ग्लेजिंग। जब भी आप कोई चीज़, जब आप ग्लेजिंग कर रहे हैं सेरामिक जैसे चीज़ों में, आप अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके पहले अगर आप केमिस्ट्री या फिर जियोलॉजी का आप में नॉलेज हो तो आपके ग्लेज में वो काफ़ी हेल्प करता है। और गुरचरण सिंह के साथ भी यही हुआ, उन्हें जियोलॉजी का नॉलेज था, दैट्स वाई उनका जो ग्लेज था वो बहुत अच्छा आ रहा था। ऑल द ग्लेजेस वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स एंड ग्राउंड बाय हैंड। जितने भी मटेरियल्स रॉ मटेरियल थे उन्हें वो अपने हाथ से ही मल के बनाते थे। जैसे कि आटा गूंदा जाता है, क्ले को भी उसी तरह से गूंदा जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स वर अचीव्ड बाय एडवाइट डीपिंग एंड पोरिंग एज ही इनहांस द कूल स्टोन वेयर विद सफ्टर एंड ब्यूटीफुल शेड्स। तो उनके जो रिजल्ट्स आते थे काम के, डिपिंग या फिर पोरिंग के, वो बहुत ही कूल और बहुत ही सफ्टल और बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स आते थे। हाउ एवर डिमांड फॉर आर्ट पॉटरी कंटिन्यू टू बी लिमिटेड। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम इसके बारे में बात करेंगे। एट अ टाइम व्हेन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडियो पॉटरी और फॉर दैट मैटर आर्ट एग्जीबिशंस, ही डिस्प्लेड हिज वर्क एट एन एग्जीबिशन इन बॉम्बे इन 1954। तो यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आ रहा है, हो सकता है क्वेश्चंस इस तरह से आ जाए कि गुरचरण सिंह ने एक एग्जीबिशन बॉम्बे में किए थे, वो कब किए थे? तो 1954 में किए थे। विच प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट सक्सेस एंड पेव द वे ऑफ फॉर द फ्यूचर। उन्होंने जो एग्जीबिशंस किया उनमें उनकी सफलता बहुत ज़्यादा हुई। इन द लेट 50s गुरचरण सिंह ऑफन विजिटेड हिज फ्रेंड शोभा सिंह, ए पेंटर एट ए स्मॉल विलेज कॉल्ड एंद्रेता इन हिमाचल प्रदेश। तो गुरचरण सिंह जो है जब विजिट कर रहे थे हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे उनकी एक फ्रेंड मिली जिसका नाम है शोभा सिंह, और वो भी एक छोटी सी विलेज की आर्टिस्ट थी शोभा सिंह, और उस विलेज का नाम क्या था? एंद्रेता। और एंद्रेता कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में मिलता है। इन एंद्रेता ही मेट नोर डिचार्ड हु ओन्ड ए लॉट ऑफ लैंड इन दैट एरिया। तो नोरा डिचार्ड जो है उन्होंने अपनी ज़मीन खरीदी कहाँ? एंद्रेता में। सी वॉज कीन टू स्टार्ट ए पॉटरी इन एंद्रेता। यानी कि नोरा रिचार्ड जो है वो चाहती थी कि एक पॉटरी का एक स्टूडियो स्टार्ट हो कहाँ? एंद्रेता, यानी कि हिमाचल प्रदेश में, इसलिए उन्होंने वो लैंड खरीदी। आफ्टर विजिटिंग दिल्ली ब्लू सी अरेंज फॉर गुरचरण सिंह टू गेट सम लैंड एंड स्टार्ट ए पॉटरी टू ट्रेन लोकल पॉटर्स। तो वो चाहती थी कि गुरचरण सिंह जो है थोड़ा, जब वो दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली ब्लू की विजिटिंग के बाद वो थोड़ा सा टाइम निकालें और
पॉटर्स को भी, लोकल पॉटर्स को भी ट्रेंड करें। गुरचरण सिंह वॉज फाइनली एबल टू स्टार्ट द पॉटरी इन एंद्रेता इन 1961। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गुरचरण सिंह इंडिया के, नॉट इंडिया, गुरचरण सिंह हिमाचल प्रदेश में कौन से जगह में अपनी पॉटरी का स्टार्ट किया, तो एंद्रेता हो जाएगा अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए। ऐसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट फिर भी गुरचरण सिंह वॉज फाइनली एबल टू स्टार्ट पॉटरी इन एंद्रेता वेन, अगर वेन पूछे तो 1961, डेट पूछे तो 1961 और जगह पूछे तो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, एंद्रेता, और वहाँ पे उन्होंने एक अपने घर भी बनाए। तो चलिए यहाँ अब हम बात नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट बात है हम उसी के बारे में बात करेंगे। इन द स्टूडियो गुरुचरण सिंह वॉज अफेक्शनली एड्रेस्ड एट डैडी जी, ए टर्म दैट एक्सप्रेस द फैमिलियर एटमोसफियर ऑफ द ओपन हाउस दैट डेली ब्लू वॉज। इन हिज डेली स्टूडियो गुरुचरण सिंह वॉज असिस्टेड बाय हिज फैमिली ऑल ऑफ होम वर डिवोटेड ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ हम बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए गुरचरण सिंह क्या बोलते हैं, पढ़िए। बट गुरचरण सिंह स्टिल स्पॉन्ड द आइडिया ऑफ मास प्रोडक्शन, आई एम देन फ्री टू डू वट आई वॉन्ट, ही वुड से आर्ट पॉटरी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमर्शियल पॉटरी। इसे ध्यान रखिएगा, ये इनका कोटेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉरी। हाँ देखिए, वो कह रहे हैं कि जो आप कॉमर्शियल पॉटरी कर रहे हैं ना, वो बहुत डिफरेंट है आर्ट की पॉटरी से, आर्ट पॉटरी से कॉमर्शियल पॉटरी बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये बता रहे हैं। इन कॉमर्शियल पॉटरी ईच वन ऑफ द 1000 पीस लुक्स एग्जैक्टली अलाइक, या अगर कॉमर्शियली आप कर रहे हैं तो एक ही कप का डिजाइन, कलर, शेप, ऐसे आप 1000 क्या लाखों प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए इसे कॉमर्शियल में रखा जाता है। बट इन आर्ट पॉटरी ईच पीस इज ऑफ ए डिफरेंट शेप एज इंडिविजुअल एज ए पेंटिंग। जैसे हम पेंटिंग बनाते हैं, अगर आज हमने एक लैंडस्केप बना दी है, अगर उसी लैंडस्केप को अगर हम कल भी कॉपी भी करते हैं, इमिटेट भी करते हैं, तो वो चीज़ नहीं निकल के आएगा, बल्कि एक डिफरेंट लुक आएगा। ओके, तो जैसे पेंटिंग अपने आप अलग होती हैं हर चीज़ में, डिफरेंट शेप में हो या फिर साइज में हो या फिर कलर में हो, उसी तरह से जब आप उसे पॉटरी, आर्ट पॉटरी में आप पॉट बनाते हैं, तो उसका भी साइज डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है, यानी कि हर एक सिंगल पीस का एक अपना इंडिविजुअल मीनिंग और इंडिविजुअल शेप होता है। इसीलिए कॉमर्शियल पॉटरी अलग होती है और आर्ट पॉटरी अलग होती है। वाइल गुरचरण सिंह वॉज बेस्ट नॉन फॉर हिज प्रोडक्शन ऑफ डेली ब्लू विच वॉज ए विविड ब्लू पॉटरी। देखिए गुरचरण सिंह को ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है, अच्छे से याद कर लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से बनेगा ही बनेगा कि ब्लू पॉटरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आंसर होगा गुरचरण सिंह। ही ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद अदर ग्लेजेस सच एज एक्सेल वाइट, ग्रे एंड वाइट एंड ग्रे स्लीव वेयर। इसे याद रखिएगा, देखिए उन्होंने किस किस चीज़ में एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे कल हम ईरा चौधरी के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने काम में कैलीग्राफी, राइटिंग, स्क्रॉल राइटिंग यूज की है, साथ ही साथ इस ग्रेफिटो, ट्राइबल एंड फोक फॉर्म्स का यूज की है, तो उसी तरह से यहाँ पे गुरचरण सिंह अपने काम में, अपने ग्लेजेस में क्या यूज किए हैं, देखिए ग्लेज के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सेल वाइट, ग्रे एंड वाइट एंड ग्रे स्लीप वेयर, यूजिंग कॉन्ट्रास्ट इन टेक्सचर टू ग्रेट इफेक्ट। तो ये चार चीज़ का उन्होंने अपने ग्लेज में यूज किए हैं, किस चीज़ के लिए, टेक्सचर्स को और भी अच्छा इफेक्ट देने के लिए। देयर वॉज ए ग्रेट वेराइटी ऑफ वाइट और ऑफ वाइट पीस विथ ड्रिप्ड पैटर्न्स ग्लेज्ड एट द माउथ इन सॉफ्ट अंबर और रोसाइना। समझ ही गए होंगे कि उन्होंने वाइट और ऑफ वाइट के भी बहुत अच्छे वेराइटीज निकाले, पैटर्न्स निकाले, और कैसे उसे सॉफ्ट और रोसाइना जैसा कलर होता है, वो रोसाइना का कलर कैसे अपने पॉटरी में ला सके। सम शेप्स ग्लेज्ड इन ग्रीन हैड द रिचनेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट फॉर्म्स। कुछ उन्होंने काम जो है ग्रीन कलर को लेके किए हैं, ग्रीन ग्लेज किए थे अपने काम में, जिससे कि क्या इफेक्ट आ रहा था, ग्रोइंग प्लांट फॉर्म्स। जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट है, तो इसमें इन्होंने जो ग्रीन ग्लेज्ड का यूज किए हैं, उससे क्या शेप आ रहा है आपका, प्लांट जैसा एक शेप आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव वर्क कॉफी पॉट बेस्ड ऑन दी मेंडिकेंट वाटर जग एंड वेसेस रेमिनिसेंट ऑफ पर्सियन एंड मिडिल ईस्टर्न पॉटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
उन्होंने कॉफ़ी पॉट्स यानी कि कॉफ़ी कलर भी यूज किए अपने पॉट्स में, और वाटर जग एंड वेसेस जो है इतनी रिमिनिसेंट थी, इतनी रिच थी कि उसमें पर्सियन और मिडिल ईस्टर्न पॉटरी जैसे देखने में लग रहा था। मीनवाइल इन डेफिशिएंस ऑफ हिज 70+ ईयर्स सरदार गुरचरण सिंह मैनेज टू कैरी ऑन, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना बात नहीं करेंगे हम, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। ये अराउंड इन 1970s गुरचरण सिंह प्रैक्टिस शिफ्टेड फ्रॉम ग्लेस सर्फेसेस टू रफ टेक्सचर। देखिए उन्होंने 1970 में कहाँ शिफ्ट किए, फॉर्म वगैरह ग्लेज वगैरह जो स्टोन ग्रे बर्नड ऑरेंज एंड न्यू ब्ला यही सब जो कलर यूज किए, उसके बाद उन्होंने 1970 में जो है रफ टेक्सचर यूज करने लगे। रफ टेक्सचर समझ ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे रफ टेक्सचर हो गया, ये अपर रफ टेक्सचर, स्मूथ क्या होता है, स्मूथ ये है एकदम प्लेन, रफ टेक्सचर में ये सब रफ टेक्सचर में आता है, तो रफ टेक्सचर्स को जो यूज किए और क्यों किए, देखिए क्या कहते हैं, ही सेड आई लाइक दिस रफ टेक्सचर्स बिकॉज देयर टच इम्पार्ट्स अ फीलिंग टू योर हैंड। जब रफ टेक्सचर्स को आप छूते हैं, टच करते हैं, तो आपके हाथ में जो एक फीलिंग आती है, एक अनुभव कर पाते हैं उस टच का, तो इसीलिए उन्होंने रफ टेक्सचर्स को सेलेक्ट किए। ए ग्लेज्ड कप ऑफ मॉडर्न पॉटरी इज कॉल्ड टू द टच, इट हैज़ नो कैरेक्टर, इट मस्ट गिव यू वार्म्थ, मस्ट हैव क्लीननेस, व्हेन यू होल्ड ए कप इट मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट टू यू, यानी कि जब भी आप एक कप को पकड़े तो ऐसा लगे कि कप और आपके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, आप दोनों लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। लुकिंग एट पॉटरी इज नॉट मियरली ए विजुअल प्लेजर, ठीक है, जब आप पॉटरी को देखते हैं तो उससे आपका एक विजुअल प्लेजर तो नहीं है, बट इट मच अपील टू योर टच, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो कैसे कहते हैं वाव ये कितना अच्छा है, आई वुड लाइक टू बाय दिस, या फिर प्राइस उसकी कितनी ही क्यों ना हो, आपके पास पैसे ना हो वो अलग बात है, बट एक अंदर से इच्छा तो जागती है ना कि आई वॉन्ट टू बाय दिस स्टफ, तो उसी तरह से कि विजुअल प्लेजर ना हो बट एक जो फील होगी, एक जो टच होगा वो होना चाहिए। देयर इज एन ओल्ड चाइनीज सेइंग, देखिए एक चाइनीज क्या कह रहे हैं, इवन ए ब्लाइंड मैन कैन अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ पॉटरी, जब उसमें टेक्सचर रहेगा तभी तो हम उसे छू के टच करके बता सकते हैं ना कि इसकी ब्यूटी क्या है, तो जब अगर वो स्मूथ रहेगा तो ब्लाइंड लोग उतना उसे फील नहीं कर पाएंगे, बट जब उसमें उतार चढ़ाव टेक्सचर्स रहेंगे, स्मूथनेस नहीं रहेगा, रूखापन रहेगा, तो एक ब्लाइंड मैन भी उसे टच करके उनकी ब्यूटी को पहचान सकते हैं। तो ये बात किसने कहा है, चाइनीज गाय ने कहा है। ओके नॉट इम्पॉर्टेंट, हाँ देखिए इन 1971 सरदार गुरचरण सिंह वॉज अवार्डेड ए सिल्वर प्लेक बाय द ऑल इंडिया सेरामिक सोसाइटी फॉर हिज सर्विस टू द पोएट्री इंडस्ट्री, तो उन्हें एक सिल्वर प्लेक मिला है कहाँ से, ऑल इंडिया सेरामिक सोसाइटी की तरफ से, किसके लिए, पोएट्री इंडस्ट्री के लिए। इन 1974 ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर बाय द साहित्य कला परिषद। याद रखिएगा क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं कि गुरचरण सिंह को 1974 में किस चीज़ के लिए चुना गया था, तो उन्हें जो है बेस्ट आर्टिस्ट के लिए चुना गया था, और ये खिताब किसने दिया, तो ये साहित्य कला परिषद ने, जो कि एक नेशनल बॉडी है, उनके तरफ से 1974 में गुरचरण सिंह को बेस्ट आर्टिस्ट के लिए नवाजा गया। ऑलमोस्ट 80 सरदार गुरचरण सिंह वॉज स्टिल वर्किंग नियरली फुल टाइम एंड इंसिस्टेड इट वॉज हिज वर्क विच प्रोवाइडेड द जेस्ट एंड एंथुजियाज्म विथ विच ही फेस्ड इच न्यू डे। 80 साल होने के बाद भी गुरचरण सिंह में इतनी इंथुजियाज्म थी, इतने इंटरेस्टेड थे, इतने इंसिस्टेड थे कि वो फुल टाइम काम करते थे, ठीक है, और हर दिन एवरी डे एक भी दिन स्किप नहीं करते थे। 1979 saw the publication of his book Pottery in India, a much needed text on the subject. तो 1979 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई जिसमें कि आप उनके सब्जेक्ट को देख सकते हैं। बींग ए फाउंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बींग ए फाउंडर मेंबर ऑफ ऑल इंडिया आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी स्टार्टेड इन 1921, सब जानते हैं आईफैक्स के बारे में, सभी जानते हैं, बहुत अवार्ड भी मिलती हैं, हर साल ये फॉर्म आता है, तो आईफैक्स के जो फाउंडर मेंबर हैं वो आपके गुरचरण सिंह हैं, और आईफैक्स का पूछ दिया जाता है कि आईफैक्स कब ये हुआ था, आया था, तो उसका डेट है 1921, और आईफैक्स के
संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो वो आपका हो जाएगा गुरचरण सिंह। तो यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आए। नेक्स्ट है, सरदार गुरचरण सिंह इनिशिएटेड द फर्स्ट ऑल इंडिया स्टूडियो पॉटर्स एग्जीबिशन इन 1983 टू बी हेल्ड एनुअली। उसके बाद क्या हुआ, ऑल इंडिया स्टूडियो पॉटर्स एग्जीबिशन जो है 1983 में गुरचरण सिंह के द्वारा इनिशिएट किया गया, यानी कि उनके द्वारा स्टार्ट किया गया और हर साल एक बार ये अब होता है। दिस एग्जीबिशन प्रूव्ड इन वैल्यूएबल फॉर स्टूडियो पॉटर्स इन इंडिया एज दे प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन बट ऑल्सो फॉर कंपेरिजन विद अदर पॉटर्स। तो इससे क्या होता है कि जब आप एग्जीबिट करते हैं तो आपके पूरे इंडिया के लोग उसमें सामूहिक उनका एग्जीबिट होता है, तो आप देख पाते हैं कि उनका काम कैसा है, उनका एक्सप्रेशन कैसा है, उन्होंने ग्लेज कैसा किया है, तो ये भी एक कंपेरिजन आप वहाँ देख पाएंगे, वो बहुत अच्छी बात है। ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए शंखो चौधरी ने कुछ कहे हैं, ये हम पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। सेड नॉटेड स्कल्प्टर शंखो चौधरी ऑन द ओकेजन ऑफ गुरचरण सिंह 85th बर्थडे, जब 85वां बर्थडे था गुरुचरण सिंह का, तो शंखो चौधरी क्या कहते हैं सुनिए। प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय सरदार गुरचरण सिंह वॉज टू स्प्रेड कॉन्सियसनेस ऑफ द ब्यूटी ऑफ हैंड थ्रोन पॉटरी एंड ऑल्सो द अवेयरनेस दैट इट कैन बी मेड बाय एनी बडी गिवेन टाइम एंड डिवोशन। ठीक है, तो ये बात किसके द्वारा कहा गया, ये प्रोफेसर शंखो चौधरी के द्वारा कहा गया। इट इज लार्जली ड्यू टू हिम एंड हिज सन दैट वी हैव ए साइजेबल नंबर ऑफ स्टूडियो पॉटर्स टूडे। इन्होंने इतने अच्छे से काम किया कि अभी जो है बहुत काफ़ी संख्या में पॉटर्स स्टूडियो पॉटर्स मिल रहे हैं। इन द 30s इट वॉज ओनली गुरचरण सिंह एंड दिल्ली ब्लू आर्ट पॉटरी। 30s में क्या था, सिर्फ दो ही चीज़ था, एक गुरचरण सिंह थे और एक दिल्ली ब्लू आर्ट पॉटरी था। इट वुड बी ए पीटी इट आफ्टर डेकेड्स ऑफ हार्ड लेबर एंड इंस्टीट्यूशन विच वॉज सर्व द कंट्री। तो इनके बहुत हार्ड लेबर के बाद जो है इंस्टीट्यूशंस में कंट्री में ये सर्व किया गया। इट आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन सो वेल एंड इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द कैपिटल शुड हैव टू बी शट डाउन। उनकी वाइफ जो थी सरदार गुरचरण की छत्तरगढ़, वो 1987 में पास कर गई। उसके आगे हम देखते हैं, ये एक मुझे इम्पॉर्टेंट बात दिख रही है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि सरदार गुरचरण सिंह रिमेंड फिलोसफिकल बैटलिंग ऑन विथ ए क्वाइट सेंस ऑफ डिग्निटी दैट हैड दैट डिड नॉट परमिट हिम टू टेक हिज प्रॉब्लम्स टू ए कोर्ट लॉ। यानी कि उनके घर वगैरह जो हैं बाद में बिक्री होने लगा, जो लैंड था दिल्ली में, तो वो इस प्रॉब्लम को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहते थे। क्यों, देखिए ये कह रहे हैं कि इट इज़ ह्यूमिलेटिंग फॉर एन आर्टिस्ट टू बी ड्रैग्ड थ्रू द कोर्ट्स। उन्होंने कहा कि अगर कोई आर्टिस्ट कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो ह्यूमिलेट हो रहे हैं, इसीलिए उनके साथ जो भी थोड़ा बहुत घटनाएँ हुई वो सबको वो ये कर दिए, ध्यान नहीं दिए। और वो कहते हैं बहुत अच्छी चीज़, इनसे सीखिए। देखिए उनका क्या कहना है, ये लाइन पढ़िए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। दिस इज़ दी, देखिए इन्होंने कहा, ही सेड आई हैव दी वर्क दैट आई लव। उनके पास घर नहीं है तो क्या हुआ, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास आपका काम है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई लॉन्ग लाइफ। उनके जीने का यही एक सीक्रेट है कि उनके पास उनका काम है। यू हैव टू बी हम्बल टू बी ए ट्रू क्राफ्ट्समैन बिकॉज इट इज ऑल ए गिफ्ट, नथिंग इज ट्रूली योर्स। कुछ भी आपका नहीं है, ये बस ही आपका गिफ्ट है। अगर आप काम भी अच्छा कर रहे हैं तो ये आपका नहीं है, बल्कि ये आपको एक गिफ्ट किया गया है। इफ़ यू गेट प्लेजर आउट ऑफ लाइफ एंड वर्क एंड गेट प्लेजर आउट ऑफ नेचर, वाट मोर डू यू वांट। उनका कहना है कि अगर आपको अपने लाइफ में प्लेजर मिल रहा है काम के द्वारा या नेचर के द्वारा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आपको और क्या चाहिए। लाइफ इज नॉट फॉर मनी मेकिंग, जीवन आपको पैसे बनाने के लिए नहीं है, लाइफ इज फॉर लिविंग। लाइफ आपको दिया गया है रहने के लिए, जीने के लिए, नॉट फॉर मनी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट, ये आप पे डिपेंड्स करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। लाइफ नीड्स इंट्रोस्पेक्शन जस्ट एज द सेंटरिंग ऑफ क्ले ऑन द व्हील इज इम्पॉर्टेंट इन आर कोर्ट, इन आर क्राफ्ट। ठीक है, तो हमें लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है, वो है क्ले और व्हील, हमें अपने क्राफ्ट को बनाने के लिए या प्रूफ करने के लिए। ये अभी मैं जो बात करूँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन 1991 सरदार गुरचरण सिंह रिसीव द पद्म श्री अवार्ड, ठीक है, हम बोले थे ना पद्म श्री मिला है, तो कब मिला है, 1991 में मिला है सरदार गुरचरण सिंह को, कहाँ से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, फॉर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ सिरामिक्स. इट वॉज इन द सेम ईयर दैट द दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट वॉज फाउंडेड बाई हिम, यानी कि 1991 में ही जो है दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट भी फाउंड किया गया, किनके द्वारा, सरदार गुरुचरण सिंह के द्वारा. तो दो चीज़ का फाउंडेशन हमको मिला है, एक तो आईफैक्स का मिला है और एक क्या मिला है, दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट का. द पॉटरी स्टूडियो स्टार्टेड टू फंक्शन इन द बेसमेंट कम्प्लेक्स ऑफ द न्यू दिल्ली ब्लू अपार्टमेंट्स एडजेसेंट टू द ऑल सिटी ऑल साइट एट फैक्ट्री रोड. देखिए ये बात मैं पहले स्किप कर दी थी, ये जो दिल्ली ब्लू अपार्टमेंट था ना, ये इनकी एक लैंड थी जिनका कि एक हिस्सा या फिर दो हिस्सा बेचा गया था और उसे बेच कर ही ये अपार्टमेंट बनाया गया था, इसीलिए उसके बेसमेंट में इन्हें पॉटरी स्टूडियो के लिए स्पेस मिली. हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या मैं कह रही हूँ. हाउ एवर हम्बल द पॉटरी ही वेनेरेटेड इट, ही वुड होल्ड हिज हैंड्स आउट फॉर ए पॉट, एग्जामिन इट केयरफुल्ली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एवरी बिस्टोइंग प्रेज और क्रिटिसिज्म. जब भी इनको इनके काम के लिए किसी का काम जब ये देखने जाते थे या फिर इनको एज ए जज या फिर एग्जामिनेशंस के लिए इनको एग्जामिन के तौर पे जाना पड़ता था, तो पहले वो काम को बहुत ही केयरफुल्ली से ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि पूरे ही साइड से चारों तरफ से देखते थे और फिर जाके उस काम की प्रशंसा करते थे या फिर उस काम को क्रिटिसाइज करते थे. तो ये नहीं कि आपको एग्जामिन किया गया है, आपको सेलेक्ट किया गया कोई चीज़ के लिए, तो बस यूं ही आप देख लिए कि अरे ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है एंड देन उसकी आप प्रशंसा कर दिए या फिर क्रिटिसाइज कर दिए. नहीं, काम को पहले आपको अच्छे से देखना है एंड देन आपको किसी काम की प्रशंसा करना है या फिर एग्जामिन करना है या फिर क्रिटिसाइज करना है. तो वीडियो ख़त्म करने से पहले ये इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए. देखिए अब क्या हुआ कि ये विजिट कर रहे थे और ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी डेथ हो गई. डेथ कब हुई, 99 ईयर ओल्ड में, जब वो 99 ईयर के थे तब उनकी डेथ हुई. और डेथ कैसे हुई देखिए, बहुत ही अमेजिंग है. ही वेंट डाउन टू द पॉटरी एज यूजुअल एंड डिड सम ग्लेजिंग, जैसे वो जाते थे पॉटरी स्टूडियो में, गए अपना काम किए. एट लंच टाइम ही रिटर्न टू द हाउस, लंच टाइम ये वो घर आए एंड हैड लंच एंड ले डाउन टू रेस्ट, उसके बाद रेस्ट करने लगे. एट 4 PM ऑन हिज हेल्पर्स, 4 बजे जो है उनके हेल्पर्स गए उनके लिए चाय लेके, तब देखे वो कि सरदार गुरचरण सिंह वाज नो मोर, यानी कि वो डेथ हो गए. तो उनकी डेथ भी कितनी अच्छी हुई कि सोए सोए पीसफुल्ली एकदम शांति से हुई. तो 99 ईयर ओल्ड थे तब गुरचरण सिंह की मृत्यु हुई, ठीक है. तो और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा कि है. तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो मिलते हैं दोस्तों हम फिर से एक नए वीडियो के साथ. आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट अंत तक देखें. बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे. And thank you so much for giving your precious time to my channel Gothrough Fine Art. Bye bye.